गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावर, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 9th चैप्टर हम इन दिनों पढ़ रहे हैं, इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, भारत के परंपरागत वस्त्र। पिछली बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने इसका और ढाका की मलमल के बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरा जो परंपरागत वस्त्र है भारत का, वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ढाका की साड़ियाँ। ढाका की साड़ियाँ ये बांग्लादेश यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहीं बनती है। और जो ढाका की साड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही सुंदर, सूक्ष्मता लिए हुए और हल्केपन के लिए बहुत ही लोकप्रिय होती है। ढाका की मलमल के लिए जैसे हमने देखा था कि वो बहुत ही सूक्ष्म और पतली और कोमल होती है, उसी तरह से ढाका की साड़ियाँ भी बहुत ही लोकप्रिय होती है। और किस लिए? क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्मता लिए हुए, हल्कापन लिए हुए, कोमल होती है, सुंदर होती है। और ये इतनी प्रेशियस होती है बंगाली लेडीज़ के लिए कि बंगाली जो महिलाएं होती हैं वो इसे बहुत ही संभाल के और बहुत ही अच्छी तरीके से रखती हैं ढाका की साड़ियों को, कि ये बहुत ही साथ संभाल वाली और प्रेशियस उनके लिए साड़ियाँ होती है। ढाका की साड़ियों के जो रंग होते हैं वो सफ़ेद से लेके काले तक होते हैं, सफ़ेद या सलेटी या कबूतरी और या फिर काले रंग की साड़ियाँ होती हैं। और उन पर जो बूटे बने हुए होते हैं वो नीले रंग से या फिर काले रंग से, जो भी बूटे या डिज़ाइन होती है वो इन रंग की साड़ियों पर बूटे काले और नीले रंग से होते हैं। मतलब जो साड़ी का रंग है वो तो सफ़ेद या सलेटी या कबूतरी रंग की साड़ी या काले रंग की साड़ी, साड़ियों के रंग तो ये होते हैं सफ़ेद से काले तक, और जो उनके ऊपर बूटे बनाए हुए होते हैं या जो डिज़ाइन होती है वो नीले और काले रंग से डिज़ाइन बनी हुई होती है। लेकिन जो कोई स्पेशल कोई ओकेजन होता हो यानी विशेष अवसरों पर, वो थोड़े चटकीले रंग पहनते हैं। चटकीले रंग के धागों से बनी हुई ढाका की साड़ियाँ होती है और चटकीले रंग के सूत से बुन कर उनके ऊपर थोड़े से सोने या चांदी के या फिर जो सुनहरे तार होते हैं उनसे उन पर वर्क किया जाता है। मतलब वो चटकीले रंग होते हैं स्पेशल ओकेजन वाले, और उन पर या तो सोने चांदी के या फिर जो आजकल आर्टिफिशियल जो चमक वाले जो धागे आते हैं उन तारों से वर्क किया हुआ होता है। और वो जो साड़ियाँ होती है चटकीले रंग की और सोने चांदी या दूसरे मेटल के जो तार होते हैं उनसे वर्क किया हुआ, हम उन्हें जामदानी साड़ियाँ कहते हैं। उसके बाद में जो जामदानी साड़ियों के जो नमूने होते हैं उन पे जो डिज़ाइंस होती हैं वो होती हैं फूलों की, पत्तियों की, मानव आकृति बनी होती है, पशु और पक्षी, इन सब की आकृति साड़ियों के ऊपर ये डिज़ाइन के रूप में होती है। मतलब जामदानी साड़ियों के ऊपर ये जो जामदानी है चटकीले रंग के सूतों से बनी हुई साड़ी, उसके ऊपर सोने चांदी के तार से वर्क किया हुआ होता है और वो जामदानी कहलाती है। तो जामदानी पे जो डिज़ाइंस होते हैं, जो नमूने होते हैं, वो नमूने कुछ आकृतियाँ होती है, पशु, पक्षी, मानव, फूल, पत्ती, ये सब उन साड़ियों पर डिज़ाइंस के रूप में होते हैं। जो ढाका की साड़ियाँ हैं अगर उनमें तिरछी तिरछी लाइन की कढ़ाई होती है, अगर तिरछी यानी डायगनल वाले शेप में कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, तो उस साड़ी को कहते हैं तेरछा। मतलब कोई भी साड़ी जिस पर तिरछी तिरछी लाइनों में एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई की हुई होती है तो वो ढाका की जो साड़ी होती है उसे हम तेरछा कहते हैं। इसी प्रकार जब डिज़ाइन में गुच्छों का रूप होता है, कोई भी डिज़ाइन गुच्छों के रूप में होती है, तो ढाका की जो साड़ी होती है वो कहलाती है पन्ना हजारे।
मतलब पन्ना हजारे जो ढाका की साड़ियाँ है, पन्ना हजारे में कोई बिल्कुल गुच्छे वाली डिजाइन होती है, कोई भी डिजाइन हो वो गुच्छों के रूप में इस पर बनाई जाती है। यदि ढाका की साड़ियों में छोटी छोटी बूटियां बनी होती है और छोटी बूटियों में जैसे चमेली के फूल हैं या पत्ती है, इस तरह से छोटी छोटी डिजाइन अगर होती है ढाका की साड़ी में, तो हम उसे बूटीदार साड़ी कहते हैं। मतलब बूटीदार साड़ी जो ढाका की साड़ी होती है उनमें छोटी छोटी बूटियां होती है, स्पेशली चमेली के फूल पत्ती, ये सब बूटीदार साड़ी में डिजाइन बनी हुई होती है। यदि ढाका की साड़ी में बड़े बड़े फूलों की डिजाइन होती है और बड़े बड़े फूल पूरी साड़ी में बने हुए होते हैं, तब वो साड़ी तोरदार साड़ी कहलाती है। मतलब तोरदार जो साड़ी है, तोरदार साड़ी ढाका की साड़ी है, मतलब ढाका की साड़ियों में एक डिजाइन है, और तोरदार जो साड़ी होती है उसमें जो डिजाइन होते हैं वो बड़े बड़े फूलों की डिजाइन साड़ी पर बनी हुई होती है। और यदि फूलों के जाल बने हुए होते हैं, यदि साड़ी पर फूलों के जाल वाले नमूने होते हैं, तब हम उस साड़ी को कहते हैं जतार। जतार जो साड़ी है उस पर फूलों के जाल बने हुए होते हैं, फूल 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 और सब आपस में मिले हुए होते हैं, तो फूलों के जो जाल होते हैं ढाका की साड़ियों में, तो फूलों की जाल की जो डिजाइन है हम उसे जतार कहते हैं। इन साड़ियों के जो पल्ले और आंचल होते हैं, जो साड़ी का पल्ला होता है या आंचल होता है जो सिर पर आती है, वो वाली जगह पर मयूर यानी मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, पशु या पक्षी या मानव आकृति बनाई जाती है। मतलब जो ढाका की साड़ियों के जो पल्लू होते हैं, पल्ले वाली जगह या फिर जो सिर पर आता है आंचल वाली जगह, उस जगह बहुत सारी आकृतियों की डिजाइन होती है, पशु पक्षी मानव आकृति या फिर मयूर यानी मोर, हंस या उड़ती चिड़िया की डिजाइन्स पल्ले पर और आंचल पर बनाई जाती है। ये ढाका की साड़ियों के बारे में था। और नेक्स्ट आज हम छोटा एक और टॉपिक ले रहे हैं, वो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, भारत के परंपरागत वस्त्रों में से चंदेरी साड़ियाँ। चंदेरी साड़ियों के चंदेरी साड़ियाँ जो है वो ग्वालियर के पास एक जगह है चंदेरी, उस जगह इसका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें चंदेरी साड़ियाँ कहते हैं। और चंदेरी साड़ियाँ बहुत ही महीन, सूक्ष्म और सुंदर कलाओं वाली साड़ियाँ होती है। जो चंदेरी साड़ी होती है उसमें जो वीविंग होती है, बुनावट होती है, वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, कोमल होती है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनावट उसकी होती है। चंदेरी साड़ियों में जो धागे होते हैं वो अधिकतर सूती धागे इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब पल्लू, जो भी साड़ी का पल्लू है या फिर बॉर्डर, मतलब चारों तरफ का जो होता है वो बॉर्डर होता है साड़ी का और पल्लू होता है, तो पल्लू और बॉर्डर में चंदेरी साड़ियों में सिल्क और सुनहरी काम किया जाता है। सिल्क के धागे यूज किए जाते हैं पल्ले पर और बॉर्डर पर, तो या तो सिल्क का धागा या फिर सुनहरी काम भी, जैसे सोने चांदी के जो तार होते हैं उनसे भी बुनाई कर सकते हैं पल्लू और बॉर्डर पर चंदेरी साड़ियों के अंदर। चंदेरी साड़ियों में जो बीच का भाग होता है, मतलब बॉर्डर हट गया, पल्ला हट गया, उसके बाद में वो कंप्लीट हो गया कि भाई सिल्क और सुनहरी काम से होगा, तो जो बीच का भाग होता है उसमें अधिकतर चेक्स यानी चौकड़ियां सी बनी हुई होती है। तो बीच के भाग में जो चौकड़ियां होती है, चेक्स चेक्स बने हुए होते हैं, उनमें कई बार प्रत्येक चेक में एक छोटी छोटी बूटी बनी हुई होती है। वीविंग में ही उस चौकड़ी में छोटी छोटी डिजाइनें हर चौकड़ी में, हर चेक में बनी हुई होती है। और
कई साड़ियों में तो जो बॉर्डर बनते हैं वो दोहरे धागे के भी बनाए जाते हैं, और दोहरे धागे के जब बॉर्डर बनते हैं तब वो दो रंगों का प्रभाव डालता है। दो रंगों का प्रभाव इस तरह से कि आगे की तरफ मान लो उसमें पिंक कलर का धागा ज्यादा दिखाई दे रहा है तो पिंक कलर के उसमें डिजाइन होंगे, फूल वगैरह, और पीछे की तरफ अगर उसमें लाल कलर है या पीला कलर है तो उसमें वो धागे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और उस तरफ फूल पत्ते दूसरे रंग के दिखाई देंगे। एक तरफ एक रंग दिखाई देता है और दूसरी तरफ दूसरा रंग दिखाई देता है सिर्फ बॉर्डर पर, क्योंकि बॉर्डर पर दो रंग के धागे कई बार यूज करते हैं। जो चंदेरी साड़ियाँ होती है उनकी जो लंबाई होती है उनकी लेंथ अधिकतर 9 मीटर की वो साड़ी होती है, और चूंकि वो 9 मीटर की साड़ी होती है इसलिए महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती हैं वो भी चंदेरी साड़ियों को बहुत अधिक पसंद करती हैं। तो इस तरह से अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है भारत के परंपरागत वस्त्र, और उसमें पिछली बार हमने ढाका की मलमल के बारे में पढ़ा था, आज हमने ढाका की साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियों के बारे में पढ़ा है। ढाका की साड़ियाँ जो होती है वो बहुत ही हल्की, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सुंदर और इस तरह से बनी हुई होती है कि सारे भारत में बहुत ही लोकप्रिय होती है, और इन्हें बंगाली साड़ियाँ, बंगाली जो लेडीज होती हैं वो बहुत ही प्रेशियस मान के, बहुत ही साथ संभाल करके रखती हैं। ढाका की साड़ियों का जो कलर होता है वो अधिकतर सफ़ेद, कबूतरी, काला, सलेटी ऐसे रंग का होता है, और उन साड़ियों पे जो डिज़ाइन बनी हुई होती है वो या तो काले कलर की बूटियाँ होती है या फिर नीले रंग से बूटियाँ बनाई हुई होती है। लेकिन जब विशेष अवसर होते हैं, स्पेशल ओकेजन होते हैं, तब इन साड़ियों का रंग कुछ और हो जाता है, मतलब अलग रंग के धागों से बनाई जाती है, चटकीले रंग के सूतों से बनाते हैं ढाका की साड़ियाँ, और उन पर जो वर्क होता है वो सोने और चांदी के तारों से उन पर वर्क किया जाता है, और वो जो विशेष अवसर की जो साड़ियाँ होती है उन्हें हम जामदानी साड़ियाँ कहते हैं। जामदानी साड़ियों पे जो डिजाइन्स बनी हुई होती है, जो नमूने होते हैं वो फूल, पत्ती, मानव आकृति, पशु और पक्षी की डिजाइन्स जामदानी साड़ियों पर बनी हुई होती है। जब ढाका की साड़ियों में तिरछी तिरछी डिजाइन में कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है तब उस ढाका की साड़ी को तेरछा नाम देते हैं। जब ढाका की साड़ी में कोई गुच्छों के रूप का डिजाइन हो, कोई भी चीज को गुच्छे के रूप में, डिजाइन के रूप में प्रदर्शित किया है, बुनाई की हुई है, तो उसको हम पन्ना हजारे साड़ियाँ कहते हैं। जब किसी साड़ी में बहुत छोटी छोटी बूटियाँ जैसे चमेली के फूल, चमेली के पत्ते इस तरह की डिजाइन हो ढाका की साड़ी में तब हम उसे बूटीदार साड़ी कहते हैं, और अगर ढाका की साड़ी में डिजाइन बड़े फूलों का हो तो उस साड़ी को हम तोरदार साड़ी कहते हैं, और यदि ढाका की साड़ी में फूलों का जाल बना हुआ हो तब हम उस साड़ी को जतार कहते हैं। और जब इन सभी तरह की जो डिजाइन्स हैं इनमें कई बार साड़ियों के पल्ले और आंचल पर, मतलब जो सिर पर आता है और जो पल्ला लटका हुआ वाला भाग होता है उसमें कुछ अलग डिजाइन्स होती हैं, जैसे मोर की डिजाइन, उड़ती चिड़िया की डिजाइन, या फिर हंस या पशु पक्षी या मानव आकृति पल्ले और आंचल पर बनाते हैं। तो ये इस तरह से ढाका की साड़ियाँ हुई। फिर चंदेरी साड़ियाँ जो है वो चूंकि वो चंदेरी जगह पे, ग्वालियर के पास में एक जगह है वहाँ बनाई जाती है इसलिए इसको चंदेरी साड़ी कहते हैं। ये साड़ियाँ बहुत ही महीन, सूक्ष्म और सुंदर कलाओं वाली होती है, ये सूती धागे से बनाई जाती है। इसमें पल्लू, चंदेरी साड़ी में पल्लू और बॉर्डर जो है वो अधिकतर सिल्क और सुनहरी काम का बना हुआ होता है, लेकिन जो बीच का भाग है वो चेक्स का, चौकड़ियाँ बनी हुई होती है, और कई बार चौकड़ियों में छोटी छोटी बूटियाँ बुनाई की हुई होती है।
कई बार जो बॉर्डर होते हैं इनके, वो दोहरे धागे से बनाए जाते हैं चंदेरी साड़ियों के, और दोहरे धागे से बनाने के कारण उसमें दोहरा इफेक्ट होता है। एक तरफ ऊपर की तरफ एक रंग दिखाई देता है और दूसरा रंग पल्ले के दूसरी तरफ डिजाइन के रूप में दिखाई देता है। और चंदेरी साड़ियों की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो अधिकतर 9 मीटर लंबी होती है, इसलिए महाराष्ट्र की महिलाएं भी चंदेरी साड़ियों को बहुत अधिक पसंद करती हैं। तो इस तरह से ये ढाका की साड़ियाँ और चंदेरी साड़ियों के बारे में था। थैंक यू।